तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी मूवी है उसका नाम है इनविजिबल गर्ल। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अंतरिक्ष में एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से आ रही है। उसके बाद हम एक ऑल नामक व्यक्ति को देखते हैं जो कि समुद्र में एक बड़े से शिप से कुछ सामान लेने आया हुआ था, और उस सामान का वजन 1 टन था। और वह जिस छोटी सी बोट को लेके आया हुआ था, उस बोट की कैपेसिटी मात्र 600 kg थी, जिसके कारण ऑल बोट के मालिक से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम मेरे पूरे सामान को ले लो और बदले में कुछ पैसे एक्स्ट्रा ले लो। लेकिन फिर भी बोट वाला नहीं मानता है। तभी ऑल एक चालाकी दिखाता है और शिप के मालिक से कहता है कि तुम बोट वाले से कहो कि सामान 600 केजी का है, जिसका खामियाजा ऑल को थोड़ी देर बाद ही भुगतना पड़ जाता है। और होता यह है कि कुछ दूर चलने के बाद बोट डूब जाती है। उसके बाद ऑल और बोट मालिक जैसे तैसे अपनी जान बचाकर किनारे पे आ जाते हैं। उसके बाद बोट वाला ऑल पर गुस्सा करता है और बोट के पैसे मांगता है, लेकिन ऑल के पास पैसे ना होने के कारण बोट वाले को अपनी कार दे देता है। लेकिन अभी भी उसकी परेशानी खत्म नहीं हुई थी। उस बोट में जो सामान थी उसकी कीमत लगभग 7 करोड़ थी, जिसकी भरपाई उसे ही करनी थी, क्योंकि उसकी गलती के वजह से ही ऐसा हुआ था। इसलिए ऑल लोन के लिए अपनी बचपन की दोस्त स्वीटलाना से मिलता है, जो कि एक बैंक में कैशियर थी। लेकिन स्वीटलाना लोन की रकम सुन के मना कर देती है और कहती है कि इतनी बड़ी रकम तुम्हें कोई नहीं देगा जब तक तुम्हारे पास कोई अच्छी सिक्योरिटी ना हो। तभी ऑल निराश हो जाता है। तब स्वीटलाना कहती है कि मेरे साथ मेरे घर चलो, शायद मेरे पापा कुछ हेल्प कर सकते हैं। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसके बाद हम स्वीटलाना के फैमिली को देखते हैं, जो कि काफी बड़ी थी और सभी साथ रहते थे। फैमिली के हर एक सदस्य के अपने अपने सपने थे, जैसे कि उसके डैड जिसका नाम ब्रोस था, वह चाहते थे कि पूरी फैमिली उसके साथ रहे। उसकी पत्नी लीटा जो कि थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहती थी, उसका बेटा लिक आर्मी में जाना चाहता है, लेकिन उसे अस्थमा की बीमारी होने की वजह से हर बार रिजेक्ट हो जाता है। उसकी सबसे छोटी बेटी सासा की ड्रीम है कि वह जल्दी से बड़ी हो जाए ताकि वह घर संभाल सके। उसके बाद ऑल स्वीटलाना के डैड को अपनी प्रॉब्लम बताता है और उससे हेल्प मांगता है, लेकिन ब्रोस हेल्प करने से मना कर देता है। बोलता है कि तुम जैसे लोग दूसरे की सिक्योरिटी से लोन लेते हो और फिर बाद में पैसे नहीं लौटाते हो। उसके बाद बैंक वाले हमें परेशान करते हैं। वहीं दूसरी ओर वही एस्ट्रॉयड हमारी अर्थ के बिल्कुल नजदीक आ गई थी, और थोड़ी ही देर बाद वो एस्ट्रॉयड स्वीटलाना के घर में गिर जाता है और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, जिससे डरकर सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि पूरे शहर में इसी तरह के एस्ट्रॉयड गिर रहे हैं। तभी स्वीटलाना को याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर घर में ही फंसे हुए हैं, जिसके बाद सभी लोग उन्हें बचाने जाते हैं और उन्हें बाहर निकालते हैं। उसके बाद ऑल सभी से कहता है कि हमें एस्ट्रॉयड को ढूंढना चाहिए, जिसे बेचने से हमें अच्छी रकम मिल सकती है। तभी सारे लोग मान जाते हैं और ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी खुदाई के बाद भी उन्हें वो एस्ट्रॉयड नहीं मिलता है, जिससे थक हार कर सभी सो जाते हैं। लेकिन ऑल नहीं रुकता है और ढूंढता रहता है, क्योंकि उस पर 7 करोड़ का कर्जा था, और कुछ देर बाद उसे फाइनली मिल जाती है। उसके बाद ग्रैंडफादर ऑल को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि अब मेरा जाने का समय आ गया है। यही कहते कहते वे चल बसते हैं, जिसे देखकर ऑल बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि ये बात वह घर वालों से कैसे कहे। तभी ऑल स्वीटलाना के पास जाता है उसे बताने, लेकिन स्वीटलाना थकी होने के कारण गहरी नींद में सोई हुई थी। ये देखकर ऑल उसे नहीं जगाता है। अगली सुबह होती है और लिक ऑल को अपने पास बुलाता है और कहता है कि वो एस्ट्रॉयड अब पिघलकर लिक्विड बन गया है। लिक बताता है कि उस लिक्विड को डैड ने गलती से लात मारकर गिरा दिया है, जिसके कारण लिक्विड पूरे घर में फैल गया था, जिसके कारण उन सबकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्विस्ट आता है। और होता ये है कि फैमिली के सभी के पास अलग अलग तरह की सुपर पावर आ गई थी, जैसे कि सासा के पास हनुमान जी जैसे ताकत आ गई थी, जिससे वह किसी भी चीज को आसानी से मोड़ सकती थी और उठा सकती थी। लीटा हवा में अब उड़ सकती थी। वहीं स्वीटलाना में इनविजिबल होने की पावर आ गई थी, जिसे घर वाले शौक हो जाते हैं और खुशी से उछल कूद करने लगते हैं। इसी बीच उन्हें एक खास बात पता चलती है कि यदि वे सारे साथ रहे तभी उन सबकी सुपर पावर काम करेगी, मतलब सभी को 20 मीटर के दायरे में ही रहना होगा, वरना ये सुपर पावर काम नहीं करेगी। तभी वहाँ उनके ग्रैंडफादर आ जाते हैं। ये जनाब कल रात को ही कह के गए थे कि मेरे जाने का समय आ गया है, और ये वापस आ जाते हैं। उसके बाद ऑल लीला और सासा को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाता है कि सुपर पावर की वजह से कहीं उनके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, जिसमें डॉक्टर बोलते हैं कि वे एकदम फिट है। उसके बाद सभी एक साथ घर पर बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी ऑल सभी से कहता है कि क्यों ना हम इस सुपर पावर
पावर का यूज करे जिसे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ब्रॉस उसकी बात को इग्नोर कर देता है। तभी वहाँ लीक आता है और कहता है कि मुझे मेरे सुपर पावर के बारे में पता चल गया है, मैं जानवरों की लैंग्वेज को समझ सकता हूँ। जब भी वह अपने डॉग्स के पास जाता है और वो भौंकते हैं, वह समझ जाता है कि वह क्या बोल रहे हैं। उसी रात हम ऑल को देखते हैं कि वह एक लोहे की रोड को मोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे नहीं होता है और वह उदास हो जाता है क्योंकि सभी के पास कोई न कोई सुपर पावर थी लेकिन उसके पास नहीं, जबकि उस एस्ट्रॉइड को इसी ने ढूंढा था। अगली सुबह हम ब्रॉस को देखते हैं जो कि बाथरूम में टॉयलेट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो लंबी सांसें लेते हैं तो वहां से गायब होकर घर के बाहर आ जाते हैं। मतलब मिस्टर ब्रॉस अपनी एक लंबी सांस में कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते थे, यानी कि उनका भी सुपर पावर पता चल गया था। अगली सीन में देखते हैं कि मिस्टर ब्रॉस सभी को एक लेक के पास लाते हैं ताकि सभी अपनी अपनी सुपर पावर ट्राई कर सके। तभी ऑल कहता है कि क्यों ना हम इस सुपर पावर से एक बैंक लूटे जिससे हम सभी अमीर बन जाएंगे। गाइस ऑल मुसीबत में था, किसी भी तरह से वह अपने ऊपर के कर्जे से छुटकारा चाहता था, इसीलिए उसके दिमाग में उल्टे सीधे आइडियाज आ रहे थे। लेकिन ऑल के इस आइडिया से स्वीटलाना खुश नहीं थी और ऑल को मना कर देती है जिससे ऑल नाराज हो जाता है और गुस्सा होते हुए जाने लगता है। तभी स्वीटलाना भी उसकी कार में बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद एक कार ओवरटेक करके उन दोनों को रोक देती है। दरअसल ये वही डॉन था जिसका सामान ऑल ने समुद्र में डुबा दिया था, जिसके कारण डॉन ऑल से अपने पैसे मांगता है, वरना ऑल के सारे ऑर्गन को निकाल के चाइना में बेचने की धमकी देता है, जिसे ऑल डर जाता है और ये सारी बात स्वीटलाना सुन लेती है, जिसे बैंक चोरी के लिए मान जाती है। अगली सीन में दिखाया जाता है कि ऑल और स्वीटलाना ब्रॉस को लेके एक बंगले में जाते हैं जिससे उसके मन में लालच आ सके इस बंगले को खरीदने के लिए और बैंक चोरी के लिए मान जाए। लेकिन मिस्टर ब्रॉस गुरुकुल के प्रिंसिपल थे और अपने सिद्धांत के पक्के थे, इसलिए मना कर देते हैं। तभी स्वीटलाना रोने लगती है और अपने डैड को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है कि आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, और तब जाकर मिस्टर ब्रॉस बैंक चोरी के लिए मान जाते हैं। उसके बाद वे तीनों घर आते हैं और सभी को इकट्ठा करके मिस्टर ब्रॉस चोरी की प्लान समझाता है कि हम सभी एक कार में बैंक के बाहर बैठे होंगे और स्वीटलाना इनविजिबल होकर बैंक में एंटर होगी और चोरी करके वापस आएगी। उसके बाद रात हो जाती है और गार्डन में ऑल एक कप को बिना हाथ लगाए उठाने की कोशिश करता है और वो उठा भी लेता है कि तभी स्वीटलाना वहाँ विजिबल हो जाती है, मतलब वो कप स्वीटलाना उठा रही थी, जिससे एक बार फिर ऑल अपना मजाक उड़ा लेता है। अगली सुबह वे सारे बोलते हैं कि हमें अपनी पावर लोगों को दिखानी चाहिए, लेकिन ऑल मना कर देता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद ऑल मान जाता है क्योंकि उन सबकी हेल्प ऑल को चाहिए थी। उसके बाद वे सभी एक थिएटर में जाते हैं, वहाँ सभी अपनी पावर दिखाते हैं ताकि पैसे कमा सके। अगली सीन में दिखाया जाता है कि ऑल अपने फिंगर से पानी निकाल सकता था, मतलब अब ऑल के पास भी सुपर पावर आ गई थी। उसके बाद ऑल और सासा एक साथ लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ ऑल को कुछ गुंडे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जिसे सासा को गुस्सा आ जाता है और उन गुंडों को हमारे सल्लू भाई की तरह धोने लगती है। आगे हम देखते हैं कि बैंक लूटने का समय आ गया था और वे सारे बैंक के बाहर एक कार में बैठे रहते हैं कि आगे का काम सिर्फ स्वीटलाना ही कर सकती थी। तभी उसके बाद स्वीटलाना इनविजिबल हो जाती है, लेकिन उसके कपड़े अभी भी दिख रही थी, जिससे वह उसे उतारने लगती है और फिर ऑल के साथ बैंक में एंटर होती है। अंदर जाकर स्वीटलाना लॉकर का पासवर्ड ढूंढती है जो उसे मिल जाती है, और जैसे ही वह लॉकर खोलती है तभी वह विजिबल होने लगती है। दरअसल उनकी कार के पीछे पुलिस आ जाती है और बैंक के बाहर खड़ी होने के कारण उनकी कार को धक्का देने लगती है, जिससे वह अपनी फैमिली की रेंज से बाहर हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सभी को 20 मीटर्स की रेंज में ही रहनी होगी ताकि स्वीटलाना इनविजिबल हो सके और चोरी कर सके। लेकिन थोड़ी देर बाद स्वीटलाना कार में आके बैठ जाती है बिना चोरी किए, क्योंकि बाहर पुलिस आ गई थी, ऐसे में चोरी करना सही नहीं था। उसके बाद मिस्टर ब्रॉस एक लंबी सांसें लेता है जिससे वह कार से गायब हो जाते हैं और उसे पता नहीं था कि वह कहाँ है, इसीलिए मिस्टर ब्रॉस स्वीटलाना को कॉल करते हैं। उसी वक्त पुलिस अपनी वैन की गेट ओपन करते हैं और देखते हैं कि मिस्टर ब्रॉस वहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि मिस्टर ब्रॉस की पावर उसे कहीं भी ले जाती थी। उसके बाद ऑल मिस्टर ब्रॉस को पुलिस से छुड़ा के घर लाते हैं। जैसे ही ऑल घर पर आता है वह सभी के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को बैंक चोरी कोई आसान काम लगता है, यदि इसी तरह बेवकूफी करते रहे तो हम कभी बैंक चोरी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद लीटा बोलती है कि कल मेरा थिएटर में शो है। तभी ऑल अपना दिमाग दौड़ाता है और कहता है कि हम सभी लोगों को लीटा की तरफ
डाइवर्ट कर देंगे और बैंक लूट लेंगे। अगली सीन में दिखाया जाता है कि लीटा थिएटर के भीड़ देखकर नर्वस हो जाती है और उड़ के बाहर आ जाती है, तो स्वीटलाना और ऑल उसे समझाते हैं। तभी वहाँ ऑल का डॉन आ जाता है और उसे बहुत पीटता है। उसके बाद ऑल थिएटर के बाहर आता है और गुस्सा से कहता है कि तुम लोगों को दुनिया के किसी भी आधुनिक चीजें दे दी जाए, तुम लोग उससे अपना पिछवाड़ा ही साफ करोगे। जिसकी बातें सुन मिस्टर ब्रोस को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि अब चाहे जो भी हो जाए हम चोरी करके रहेंगे। उसके बाद उसी रात वो बैंक के पास जाते हैं और एक चैन से खींच के सासा पूरी खिड़की उखाड़ देती है। वहीं ऑल सीसीटीवी कैमरा को ऑफ कर देता है। तब सासा बैंक के अंदर चली जाती है और बैंक की पूरी तिजोरी को ही बाहर फेंक देती है। उसके बाद वे सभी उस तिजोरी को लेके भागने में कामयाब हो जाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि वे शहर के बाहर एक जगह रुक के सभी इंजॉय करते हैं। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि उनके मरने का समय आ गया है, इसलिए मुझे यहीं छोड़ दो और तुम लोग चल जाओ। और कुछ ही देर बाद वे वहीं मर जाते हैं। उसके बाद रास्ते में ही ऑल सभी को उनके हिस्से के पैसे देता है। तब स्वीटलाना कहती है कि हमें ऐसे ग्रैंडफादर को नहीं छोड़ना चाहिए था और उनको लेने के लिए जाना चाहिए। तब ऑल मना कर देता है तो स्वीटलाना गुस्से से ऑल का हिस्सा देती है और कार से बाहर जाने बोलती है। तब ऑल गुस्से से कार से उतर जाता है। अगली सीन में देखते हैं कि ऑल डॉन के सारे पैसे चुका देता है और बचे पैसे को छिपा के कंट्री से बाहर जा रहा था कि तभी एयरपोर्ट में लगी टीवी में ऑल देखता है कि स्वीटलाना के परिवार को पुलिस वाले ने पकड़ लिया है। दरअसल ग्रैंडफादर की बॉडी फ्यूनल एजेंट को मिल जाती है, जिसे लेने स्वीटलाना और उसके परिवार वाले जाते हैं। तब उन सबको बॉडी देने से इनकार कर देता है। तब वो लोग उस फ्यूनल एजेंट को $1 मिलियन का लालच देता है। तब वो एजेंट मान जाता है, लेकिन एजेंट को उन सब पर शक हो जाता है। तब वो पुलिस को बता देता है, जिससे उन सभी को पकड़ लिया जाता है और वे सभी डर के मारे अपनी सारी गलती बता देते हैं। तभी वहाँ ऑल ग्रैंडफादर को लेके आता है, जो अभी मरा नहीं था। वे सारे लोग एक रेंज में आते ही उनका सुपर पावर ऑन हो जाता है और पूरी कोर्ट को उथल पुथल कर देते हैं। ऐसा लग रहा था मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। उसके बाद सासा अपनी पावर से जेल को तोड़ देती है और लिटा उड़ के सभी का ध्यान भटकाने लगती है, जिसे सारे लोग वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद वे सभी एक पोर्ट में जाते हैं, जहां वही डॉन मिलता है और वे सभी डॉन की मदद से एक कंटेनर में बंद होके चाइना भाग जाते हैं। तो दोस्तों मूवी की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।